नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए 4/11/2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। इसका व्यू आप लोग नोट कर सकता है। इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। इसमें आप लोग गैप अप और गैप डाउन भी कंसीडर कर ले सकते हैं। सोच लीजिए मार्केट स्टॉक्स इस प्राइस में खुला है कि इस प्राइस में खुला है, तो जब तक इसका ये दोनों का बीच में खुला है तो इस जब ये आने के बाद आप लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए देखेंगे। टारगेट ये आने के बाद ही आप लोग 125 आने के बाद ही आप लोग एंट्री लेंगे। 123 और 125 के बीच में खुला है, तो 123.02 और 65 के बीच में खुला है, तो 61.2365 के ऊपर जाएगा तो अभी आप लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए देख सकते हैं। ऐसे करके आप लोग को ट्रेड करना है। और सेल का एंट्री लेवल भी बीच ऐसा है, सॉरी इधर तो सेल का एंट्री लेवल भी ऐसे ही है कि इधर बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। जी आप लोग गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेंगे और सिंपल देखेंगे कि कौन सा टारगेट के अंदर है, कौन सा टारगेट और टारगेट 2 के अंदर है, कौन सा टारगेट के दोनों टारगेट के बीच में है, तो उसी का हिसाब से आप लोग कर सकता है। इधर टारगेट फोर और टारगेट 5 के बीच भी खुल सकता है, वो भी आप लोग देख सकता है। और मैंने एक सेट ए हो गया, एक सेट बाई सेल लेवल, आप लोग दूसरा सेट ए बाई सेल लेवल को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उधर भी एक ही बात है कि टारगेट 1 गैप अप गैप डाउन को आप लोग कंसीडर कर लेंगे। और फिबोनाची का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, फिबोनाची और पिवट पॉइंट, वो भी आप लोग बाई सेल लेवल जैसा करते हैं। सोच लीजिए R1 के ऊपर गया तो R1 आप लोग को एंट्री लेना है कि R1 के ऊपर R2 और R3 के बीच में खुला है, तो ऐसे करके आप R3 जब आएगा उसके बाद ही आप लोग को R4 के लिए टारगेट के लिए ट्रेड करना है। पिवट पॉइंट भी ऐसा है। और मेरा ये जो फाइल है उसमें आप लोग को दे सकता हूँ एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट भी टाइम टू टाइम अपडेट कर सकता हूँ। मेरा पेड ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक यूट्यूब का वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो आप लोग चाहें इसमें सारा स्टॉक्स है उसका मैंने पेयर ट्रेडिंग का ऊपर मैंने कॉल दे रहा हूँ, आप लोग चाहेंगे तो उसमें ज्वाइन कर सकता है फ्री ट्रायल के लिए। उसके बाद अब वो पेड सर्विस आप लोग को लेना है। और ये फाइल भी आप लोग को लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर लूँगा। और इसमें सारा स्टॉक्स है, जितना सारा FNO स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, बैंक निफ्टी का लेवल रहता है और फिर जितना सारा FNO स्टॉक्स है उसका फ्यूचर्स का लेवल रहता है। और लोग अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और इंडेक्स का लेवल नोट कर सकता है। सेम है बाइक एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। टारगेट 4 और टारगेट 5 देखना है तो आप लोग को गैप अप और गैप डाउन कंसीडर कर लेना है। टारगेट ऐसे ही करके आप लोग को देखना है, वेरी सिंपल है। बहुत लोग बोल रहा है कि समझ नहीं रहा है, क्यों समझ नहीं रहा है मेरा पता नहीं। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को फिर से बता सकता है। इसका फिबोनाची लेवल भी आप लोग को दिखाता हूँ। सिंपल बाई और सेल का एंट्री लेवल आप लोग को दिया हुआ है। इसमें आप लोग जिसका अंदर है उस कमोडिटी का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसका अंदर आप लोग खुला है नेक्स्ट टारगेट के लिए आप लोग को देखना है। सोच लीजिए 125 और 124 के अंदर खुला है, तो 125 आने के बाद ही नेक्स्ट टारगेट सोच लीजिए 127 है, उसके लिए देखना है 125 में एंट्री लेके। और टारगेट और स्टॉप लॉस अपना हिसाब से रख लेना है। फिबोनाची लेवल भी आप लोग को दिखा देता हूँ।